उत्तराखंड देहरादून में सूफी साबरी प्रणय दीक्षित आयोजित मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया स्पर्धा में कुल 50 स्पर्धकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में शहर की श्यामल ढवले और वेंकटेश गुमलवार ने बाजी मारकर डीसी इंडिया का ताज अपने नाम किया, जिसकी शहरवासी दोनों की काफी सराहना कर रहे हैं। उत्तराखंड देहरादून में सूफी साबरी और प्रणय दीक्षित द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया 2020 का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में देहरादून, हरिद्वार, झारखंड, दिल्ली, नेपाल बॉर्डर और महाराष्ट्र आदि राज्यों और शहरों से कुल 50 प्रतियोगी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में शहर की श्यामल ढवे और वेंकटेश गुमलवार इन्होंने अपना अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर डीसी इंडिया का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में श्यामल ढवे को मिस नागपुर ड्रेस कोड इंडिया 2020 का ताज पहनाया गया। ऑल ओवर इंडिया लेवल की इस प्रतियोगिता में फैशन वॉक, टैलेंट राउंड और बुद्धिमत्ता कौशल के तथ्यों पर ज्यूरी ने इन्हें बेस्ट मिस नागपुर डीसी इंडिया 2020 से नवाजा गया। तो वही वेंकटेश गुमलवार इन्हें डीसी इंडिया से नवाजा गया, साथ ही ब्रांड एम्बेसडर 2020 भी बनाया गया। इस मौके पर दोनों विजेताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, एनबीसीएन की टीम आज ऐसी दो पर्सनैलिटी के सामने में खड़ी है। ऐसे ही ये दो पर्सनैलिटी अपने शहर से जुड़े हुए, क्योंकि नागपुर शहर को कलाकारों और खिलाड़ियों की खान कहते हैं और इसी बात को चरितार्थ करते हुए नागपुर और मुंबई के ऐसे दो युवाओं ने देहरादून में अपनी जीत का परचम लहराकर मिस्टर डीसी इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। इस समय में हमारे साथ में सुंदरी हमारे साथ में मौजूद है, साथ ही साथ नौजवान साथी जिन्होंने अवार्ड जीते दोनों भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम श्यामल ढवले है। आपका? मेरा नाम वेंकटेश शंकर गुमलवार है। वेंकटेश, ये बताइए कि ये स्पर्धा किस तरह की आयोजित की गई थी, कब आयोजित की गई थी और कितने प्रतियोगियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ये शो तो ये सीजन 5 था, इससे पहले भी बहुत 4 सीजन हो चुके थे, ये 5th सीजन था और 5th सीजन में 25 बॉयज़ और 25 गर्ल्स थे और ये मिस्टर सूफी साबरी जो है देहरादून के उनने कराया था और इसमें को डायरेक्टर थे मिस्टर प्रणय दीक्षित सर और मैंने भी ये शोज़ के बारे में बहुत पहले से सुना था तो इसके लिए मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था मिस्टर इंडिया के लिए, जो कि लास्ट 6-7 मंथ से मैंने प्रिपरेशन की है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड हुआ हूँ, देन उसके बाद मैंने फिजिकली अपने आप को फिट किया, जैसे कि मैंने जिमिंग किया और साथ साथ और रनिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी की है। इस शो के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैडम आप बताइए कि आपके लिए कितना चैलेंजेबल ये कामकाज था, क्योंकि 50 जो स्पर्धक जो आए हुए थे वो काफ़ी दूर दराज से आए हुए थे और एक से बढ़कर एक थे, क्या चैलेंज था आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट सूफी सर ने सभी कंटेस्टेंट को बहुत अच्छा उनके हुनर को पहचानते हुए हर एक चीज़ बहुत ही तोल माप के जांच के निर्णय दिया है, तो बहुत ज़्यादा टफ था बट कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़्यादा था। आखिरकार अपने स्टेट का नाम भी आगे ले जाना था, वो भी कॉन्फिडेंस था, तो इन सबके बलबूते पे और सूफी सर और प्रणय सर के सपोर्ट से हम आगे निकल के आए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से इन्होंने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उसमें इन्होंने अपनी जीत का परचम तो जरूर लहराया है। मेरा सवाल आपसे है, आप ये बताइए कि आपके जैसे कई हमारे एनबीसीएन के लाखों ऐसे युवा दर्शक हैं जो आपको गौर से देख भी रहे, दोनों को सुन भी रहे हैं, सर आप ये बताइए कि इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ता है या आपको किससे प्रेरणा मिली और आपके जैसे और भी आपके नक्शे कदमों पर चलना चाहते हैं कुछ हमारे दर्शकगण, तो उन्हें क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? जैसा कि मैंने अपने रोल मॉडल जो बनाया था मैंने मिलिंद सोमन सर को, तो उनके चीज़ों को लेकर के मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, जैसा उन्हें अपना हार्ड वर्क स्ट्रगल किया उस चीज़ों को लेकर के, जैसे कि मैं एवरी मॉर्निंग में 5 o'clock उठ करके अपने आप को प्रिपेयर करता था, मेंटली प्रिपेयर करता था, मेडिटेशन करना और साथ साथ फिजिकली फिट होना, जैसे एक्सरसाइज, जिमिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए, बिकॉज फिजिक्स इंपॉर्टेंट है बॉयज़ के लिए, तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते, तो मैंने भी वही चीज़ें की कि अपने आपको प्रिपेयर किया, अपने थोड़ा स्किल्स पे वर्क किया, साथ साथ बॉडी स्ट्रक्चर पे वर्क किया, अपने वॉक्स पे वर्क किया, तो मैंने अपने आप में मतलब बहुत से चेंजेस लाए हैं पहले से ये शो को जीतने के लिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, अगर हमें कुछ पाना है उस मुकाम को यदि हासिल करना है तो कड़ी मेहनत करना ज़रूरी होता है और पूरे शिद्दत के साथ उस काम को पूरी लगन के साथ करना होगा, तभी कहीं हम ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हैं और कामयाबी हमारे कदम भी चूम सकती है, बशर्ते हमें पहल करना होगा। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, एनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।